स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मुकाबले की। चेपॉक में मुकाबला खेला गया और चेन्नई की वहां पर 5 विकेटों से जीत होती है और जीत के सबसे बड़े हीरो रहते हैं सिमरजीत सिंह। जी हाँ, कौन है सिमरजीत सिंह आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करना है। चेन्नई बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी में थी अपनी गेंदबाजी अटैक को लेकर, क्योंकि उनके मेन गेंदबाज, चाहे हम पतिराना की बात करें, मुस्तफिजुर रहमान की बात करें या फिर दीपक चहर की बात करें, जो कि अवेलेबल नहीं थी। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले में खेल रही थी, जिसके बावजूद भी आप ये देखिए कि सिमरजीत सिंह ने 4 ओवर में 26 रन दे के राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर को एकदम तहस नहस कर दिया था। उसमें यशस्वी जायसवाल का विकेट था पावर प्ले में, फिर आपके जॉस बटलर का विकेट आया और उसके बाद संजू सैमसन को तो उन्होंने सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले अगर बात करें तो एक मुकाबले में और उनको मौका दिया गया था, लेकिन वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा रन खा लिए थे। लेकिन धोनी, जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के माही ये मानते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, लगातार मौके देते हैं और उनके अंडर आप देखिए कि चाहे तुषार देशपांडे हो, शार्दुल ठाकुर हो या फिर हमने देखा है पिछले सीजन मुकेश चौधरी हो, लगभग आपके सभी गेंदबाज अच्छा करते थे। तो सिमरजीत सिंह जो है वो लगातार बेंच पर बैठे हुए थे, उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सिमरजीत सिंह को मौका दिया चेन्नई सुपर किंग्स ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, और वहां पे देखिए कि आज उन्होंने मैच विनिंग स्पेल डाला जहां पर सभी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, लेकिन सिमरजीत सिंह यानी कि धोनी के वो गेंदबाज जिन्होंने प्लेऑफ से पहले उनको मौका दिया और वहां पे सिमरजीत सिंह की गेंदबाजी की बदौलत आज चेन्नई जहां पे खड़ी है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्लेऑफ के वो टॉप 4 में जाने की कगार पर है। चेन्नई ने मुकाबला 5 विकेटों से जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 145 रन बनाए चेपॉक में, जहां पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। लेकिन बाद में अगर देखें तो राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने 141 रनों पर रोक दिया। अगर मैं अब गेंदबाजी की बात करूं तो तुषार देशपांडे ने 4 ओवर डालकर 30 रन देकर 2 विकेटें हासिल करी, लेकिन जो सबसे बड़े गेंदबाज रहे वो रहे सिमरजीत सिंह, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देके 3 विकेटें हासिल करी और वो 3 विकेटें थी यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और आपके संजू सैमसन, यानी कि 1-2-3 को निपटाया और मैच अपने कब्जे में कर लिया। तो सिमरजीत सिंह की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और धोनी का ये भरोसा सिमरजीत सिंह पर क्या आने वाले मुकाबलों पर भी रहेगा या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स नाउ को तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।